Welcome back to my channel. Again, new video of permanently hair remove. किस तरह से कर सकते हैं आप उसके बारे में बात करेंगे, फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सोशल मीडिया अकाउंट से मुझे फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पे मैं एक्टिव रहती हूँ, आपके सारे सवालों का जवाब भी दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि क्या क्या आप कर सकते हो। बस एक एक बहुत अच्छा तरीका है आपको पील ऑफ करना। पील ऑफ अगर भी आप लगातार करते हैं, आपके फेशियल हेयर रिमूव बहुत जल्दी हो जाते हैं और बहुत कम हो जाते हैं। धीरे धीरे रेगुलर करने पे ये एक समय में बिल्कुल भी गायब हो जाएंगे। तो किस तरह से बनाना है पील ऑफ आप ये देख लीजिए। पर पील ऑफ आप ऐसे यूज़ करिए, मगर उनके साथ कुछ चीज़ें ऐड करके करिए तो आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने किस तरह से बनाया है इसे। तो हमने यहाँ पे लेना है 1 टेबल स्पून बेसन, और बेसन के साथ हमने यहाँ ली है चुटकी भर हल्दी। अच्छे से मिक्स कर दें इनको। हल्दी ना सूट करती हो तो आप इसे स्किप कर दीजिए। थोड़ा सा गुलाब जल, अब इसके जगह वाटर भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ मैंने एवरयूथ का गोल्डन पील ऑफ लिया, आप किसी भी कंपनी का, हिमालय का, किसी का भी ले सकते हैं। 1 चम्मच थोड़ा भर के डालिएगा और अच्छे से अपने जहाँ जहाँ आपको लगाना है उसकी क्वांटिटी देखकर अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स होने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा, बट इस तरह से कंसिस्टेंसी हो जाएगी। बस हमें ऐसा ही चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। ये रहा हमारा पील ऑफ मास्क जो हमने खुद से रेडी कर लिया है। देखिए इसमें आपको पील ऑफ की ज़रूरत पड़ेगी। बड़ा बॉटल लीजिए, छोटे छोटे सासे भी शैशे भी आते हैं वो लीजिए। जेलेटिन भी ले सकते हैं, बट जेलेटिन का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, मिलता है नहीं मिलता है, और उसके साथ साथ कभी कभी नॉन वेज और वेज की भी लड़ाई हो जाती है तो, और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ये उतना पेनफुल तो नहीं है वैक्सिंग और जेलेटिन जितना, दैट्स रियली गुड। तो पूरे मैं ऐसे कहूँगी आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई करिए, आप आईब्रो वगैरह छोड़ के, क्योंकि फेस के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा और उसको निकालने में भी आसानी होगी। आप अगर चाहें तो सिर्फ यहाँ भी लगा सकते हैं, आपके जहाँ पे चाहते हो लगाना। अब आपको अब लगा लेना है। मैं तो रिकमेंड करूँगी आप पूरे फेस पे लगाइए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आईब्रोज़ को वगैरह को छोड़ के। और जहाँ जहाँ आपको अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम है, फेशियल हेयर में क्या क्या आपको रिमूव करना है, वहाँ वहाँ पूरे फेस पे लगा लीजिए। और ये ना वाइट हेड और ब्लैक हेड्स का भी बहुत अच्छे से काम करता है, हटाने का बहुत तो सही इसे है। सूखने देंगे, मैं अपने फेस पे ही पूरा अप्लाई कर लेती हूँ। बस आईब्रोज वगैरह को देख के बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है। तो उसके बाद सूखने के बाद फिर हम इसे निकालेंगे, तब मैं आपसे मिलती हूँ। 15 से 20 मिनट इसने ले लिया है ड्राई होने के लिए। अब इसे अपोजिट डायरेक्शन में हमें खींचना है, यानी आपके बालों के ग्रोथ के अपोजिट, जस्ट लाइक वैक्सिंग। तो अभी क्या करती हूँ, पहले मैं एक टॉवल ले लेती हूँ कि जो भी गिरे उस पर गिरे। तो अब ये देखिए यहाँ यहाँ से मैं जहाँ जहाँ से सूख गया है उस तरफ से निकाल रही हूँ। फॉरहेड पे मेरे बहुत ज़्यादा हेयर नहीं है, मगर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं अपोजिट डायरेक्शन में अपने हेयर ग्रोथ के इसे पील करके निकाल लूँगी। थोड़ा इसमें ज़्यादा दर्द नहीं होता है उतना, जेलेटिन और वैक्सिंग के थ्रू और उतना चल जाता है। और मगर आपको ये लगातार करना पड़ेगा, लगातार करोगे तब जाके आपके हेयर फॉलिकल जो है वो रूट से आपके क्या होंगे, वीक होंगे, तब धीरे धीरे उनकी ग्रोथ कम होने लगेगी। तो ये देखिए अधिकतर तो मैंने निकाल के साफ़ कर लिया है। अब पूरा फेस इसी तरह मुझे करना है, जहाँ जहाँ हेयर है वहाँ अपोजिट डायरेक्शन में ही चलना है आपको। इससे पहले मैंने एक रेमेडी शेयर की थी, वो उपटन वाली थी, उससे भी होता है, और मगर वही एक लगातार होम रेमेडी में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए इंस्टेंट सॉल्यूशन है वैक्सिंग, और वो सबसे अच्छा आपके पास पैसे हैं तो लेज़र करा लीजिए। यहाँ हो गया, मैं फेस वॉश करके आती हूँ। यहाँ देखिए देखिए फेस को मैंने वो कर लिया है, अच्छे से इसे सुखा देती हूँ। अब ये जो पील ऑफ करने से हमेशा क्या होता है ना, हेयर्स बहुत वीक होने लगते हैं रूट से, और धीरे धीरे कमज़ोर होंगे तो फिर उतना अच्छा उनका ग्रोथ नहीं रहेगा और धीरे आपके अनवांटेड हेयर्स परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे। तो लुक एट दैट, एक तो स्किन स्किन बहुत अच्छी क्लीन होगी, ग्लो होगी, फिर हेयर बहुत जल्दी रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पील ऑफ आप लगातार कर सकते हैं, सिंपल पील ऑफ भी कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो इस तरह का पील ऑफ आप लगातार करेंगे तो भी आपके फेशियल हेयर मूव हो जाएंगे। बट इसके बाद आपको क्या करना है, अपना फेवरेट कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर वो अप्लाई करें। तो अभी मैं वही करने जा रही हूँ, तो वो अप्लाई कर जाऊँ करना लेना, क्योंकि तो उस थोड़ी सी स्क्रीन स्किन क्या होती है, इन सब चीज़ों की वजह से उनका पीएच बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ भी जाता है और थोड़ी सी ड्राइनेस सी हो जाती है। तो मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, अपना फेवरेट जो आप सूट करता हूँ। दैट्स इट। तो बस ये इतना था, आपको बस इतना ही करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को मैं सब्सक्राइब करिएगा। आपके नेक्स्ट क्या फरमाइश है वो भी मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।